हेलो गाइस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फ्रेश एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब हुआ थ्री पार्टनर जॉइंटली बिजनेस कर रहे, ए बी एंड सी। बी को क्या लग रहा है, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो वो क्या करके बिजनेस को छोड़ देगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर बिजनेस से चला जाता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट केस में होता है क्या, जब एक पार्टनर हट जाएगा बचेगा कौन, ए और सी, ए हो गया रिमेनिंग पार्टनर। तो ए और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा रिटायरमेंट के बाद, उस रेशियो को हम लोग न्यू रेशियो बोलेंगे। ठीक है, और बी, बी जब बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तो ए और सी का जो शेयर होगा वो इंक्रीज होगा। तो जब एक पार्टनर चला जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है, जितना शेयर इंक्रीज होगा उसको गेन बोलते हैं। तो रिटायरमेंट केस में हम लोग को मेनली सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेन किसका होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं, ए और सी का। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे छह अलग अलग तरह के रिटायरमेंट में क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कमल किशोर एंड कुणाल पार्टनर्स इन द फॉर्म सेम प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर का। किशोर रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है, गेन रेशियो निकालना है। जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, किशोर रिटायर हो रहा है, किशोर के रिटायर होने के बाद बचेगा कौन, कमल और कुणाल, इन लोगों का न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो निकालने का सीधा सा तरीका है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर मतलब कमल और कुणाल कैसे प्रॉफिट लॉस बांटेंगे, ठीक है, तो इसका बस हम लोगों का शेयर हटा दें, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है किशोर, किशोर का शेयर हटा दें, बचेगा 3:1, ये होगा हम लोग का न्यू रेशियो। शॉर्टकट टेक्निक है रेशियो निकालने का। ठीक है, लेकिन रेशियो निकलता कैसे है, इसका डिटेल प्रोसेस। थ्री पार्टनर कमल किशोर और कुणाल, लोगों रेशियो कितना दिया, 3:1 दिया हुआ है। रिटायर कौन हो रहा है, किशोर रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर कितना, 2:6। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो शेयर होता है, शेयर 2:6 जो किशोर का शेयर है, वो रिमेनिंग पार्टनर मतलब कमल और कुणाल उसको आपस में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। कौन से रेशियो में, जो उन लोगों का एग्जिस्टिंग पुराना रेशियो है, कमल और कुणाल का जो रेशियो है 3:1, तो किशोर का जो शेयर कितना, 2:6, वो कमल और कुणाल के बीच में 3:1 के हिसाब से हम लोग क्या करना है, बांट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट किशोर का जो शेयर था 2:6, उसमें से कितना शेयर कमल के पास जाएगा, किशोर का शेयर, किशोर शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ कमल, किशोर का शेयर तो 2:6 है, एक्वायर कौन करेगा रिटायरमेंट का, कमल और कुणाल। कौन से रेशियो में, जो उन लोग का एग्जिस्टिंग रेशियो होगा पुराना रेशियो 3:1, तो 3:1 के हिसाब से किशोर का शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। 3:1 का मतलब 3/4 कमल को मिलेगा। एंड नेक्स्ट किशोर शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ कुणाल, 2:6 में से 1/4 कुणाल लेके चला जाएगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रेशियो उसके हिसाब से जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है दोनों पार्टनर के बीच में बांट लेना। ठीक है, कहीं के क्वेश्चन बोला रहता है कि एक पार्टनर किशोर चला गया तो उसका रेशियो बाद बाकी पार्टनर के बीच में 1:1, 3:5 इस हिसाब से लोगों को बांटा जाएगा। ठीक है, तो किशोर का शेयर क्या है, दो पार्ट हो गया, कुछ कमल लेके चला गया और कुछ कुणाल। तो रिटायरमेंट के बाद कमल का शेयर इंक्रीज होगा, कुणाल का शेयर इंक्रीज होगा, कितना, जितना जितना इन दोनों ने किशोर से एक्वायर किया है, मतलब कमल का शेयर में इतना इंक्रीज होगा और कुणाल का शेयर में इतना इंक्रीज होगा। तो न्यू शेयर कमल का रिटायरमेंट के बाद, एग्जिस्टिंग शेयर 3:6 था या 3:2:1 दिया हुआ है, उसमें से 3:6 हो गया नया कमल का शेयर हो गया, और एक्वायर कितना किया, 6/24, दोनों का सम ये हो गया 18/24, ये कमल का न्यू शेयर हुआ। और कुणाल का न्यू शेयर पहले से कितना था, 1/6, और 2/24 जो किशोर ने सरेंडर किया है कुणाल के फेवर में। ठीक है, दोनों का सम करना, ये 6/24 न्यू शेयर हो गया। उसके बाद कमल और कुणाल का न्यू शेयर हो गया 3:1। अब यहाँ पे देखिए टेक्निक क्या है, शॉर्टकट टेक्निक, तीन पार्टनर है। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, किशोर, तो किशोर का शेयर जो है 2, बस इसको हटा लेंगे तो नया रेशियो निकल जाता है। ठीक है, तो कितना यहाँ पे नया रेशियो देख सकते हैं, 3:1 है। इसके बाद रिटायरमेंट के केस में जब एक पार्टनर चला जाता तो रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता, तो गेन निकालना होता, तो गेन किसका होगा, रिमेनिंग पार्टनर का, कमल और कुणाल का। गेन निकालेंगे कैसे, न्यू शेयर जो होगा पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर कमल, इसका जो न्यू शेयर होगा, न्यू शेयर कितना गया, 3/4, इसे हम लोग क्या करना, कुणाल का, सॉरी कमल का ओल्ड शेयर माइनस करना, न्यू शेयर से ओल्ड शेयर माइनस करना है, तो ओल्ड शेयर कितना 3/6 माइनस करेंगे तो आया 3/12, और कुणाल का गेन न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कितना आएगा, 1/12, तो इन दोनों का गेन का रेशियो ये हो गया हम लोग का गेनिंग रेशियो, ये हो गया टाइप 1 रिटायरमेंट का केस में। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आगे भी हम लोग करना है। नेक्स्ट थ्री पार्टनर है, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:9, 1:3 एंड 2:9, एक्स रिटायर्स, एक्स गया और एक्स का शेयर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। होता है क्या, जब एक पार्टनर जाता है तो अपना शेयर दूसरे पार्टनर को देकर चला जाता है। ठीक है, तो कितना कितना,
एक्स टू बाई थर्ड किसको दे रहा है, वाई को, और रिमेनिंग किसको दे रहा है, जेड को। तो पहले ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो 4:9, 1:3, 2:9 दिया, मतलब 4:3:2, ये हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स का शेयर है कितना 4:9, ये किसके बीच में बांटेगा, कुछ वाई को देगा कुछ जेड को, तो कितना कितना देगा उसको बोलते हैं सरेंडर, एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ वाई। कितना दे रहा है, जितना भी शेयर था एक्स के पास उसका 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर, फिर मतलब है एक्स, एक्स का शेयर कितना है 4:9, उसका 2/3 ऑफ बोला, ऑफ का मतलब क्या करना है, इंटू करना है, ऑफ 2/3 ऑफ हिज शेयर इंटू करेंगे या 8/27, एक्स वाई को कितना ट्रांसफर करा 8/27, और रिमेनिंग जो होगा किसको दे रहा है वो जेड को दे रहा है, तो रिमेनिंग का मतलब 4:9 पहले से था उसमें से 8/27 तो उसने किसको दे दिया, एक्स को दे दिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, जो टोटल पहले था उसमें से जो वो वाई को ट्रांसफर कर रहा है, तो जो बचेगा कितना बच रहा है यहाँ पे 4/27 माइनस करने के बाद, ये हो गया रिमेनिंग शेयर, किसको मिलेगा जेड को। अब न्यू शेयर कितना होगा, वाई का न्यू शेयर पहले से 3:9 है, ओल्ड यहाँ पे 3:9, और जो नया पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर उसको फेवर में सरेंडर कर रहा है ऐड कर लेना, और जेड का न्यू शेयर जो ओल्ड था उसमें जितना सरेंडर कर रहा है एक्स ऐड करना, ऐड करने के बाद ये क्या है, ये हम लोग के लिए हो गया न्यू शेयर दोनों पार्टनर का, न्यू शेयर का रेशियो क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो बोलेंगे। ठीक है, 17/27, 10/27, ये हो गया न्यू रेशियो। अब इसके बाद गेन निकालना, गेन किसका होगा, रिटायर हो रहा है एक्स, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, एक्स वाई और जेड, तो वाई और जेड का गेन होगा। गेन के गेनिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, शॉर्टकट तरीका, गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका, जितना ट्रांसफर कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर दूसरे पार्टनर को उसका रेशियो को ही गेन रेशियो बोलते हैं। तो कितना ट्रांसफर कर रहा है, एक्स ट्रांसफर कर रहा है, एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है 8/27, और एक्स जेड को ट्रांसफर कर रहा है 4/27, ये जो है 8/27 एंड 4/26, इसका रेशियो को 8:4 मतलब 2:1, ये होगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप, टाइप थ्री, थ्री टाइप, थर्ड टाइप में ए बी सी आर पार्टनर सेम प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1, बी रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इक्वल, पहले जैसा ये बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ए और सी वो भी इक्वली। ठीक है, तो तीन पार्टनर हो गया ए बी एंड सी, उन लोग का रेशियो 2:1, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना है 2/5, बी ए 2/5, किसके बीच में बांटना, ए और सी के बीच में, कौन से रेशियो में इक्वली बोला, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा। ठीक है, ये जो बी का शेयर है ए का फेवर में कितना सरेंडर होगा, 2/5 से का हाफ करेंगे, 1:1 मतलब 1/2 हाफ करेंगे, और बी सी को कितना सरेंडर कर रहा है 2/5 का हाफ, ये 1/5 और 1/5। अब नया पार्टनर का रेशियो होगा कितना, नया पार्टनर हो गया ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर इन लोगों का पहले से था 2/5, ए का और सी का था 1/5, उसमें से बी से जितना ट्रांसफर मिला है 1/5 1/5, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, उसको ऐड कर लेना, ये हो गया न्यू रेशियो, न्यू शेयर पार्टनर का, इसका रेशियो क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो 3:2। और अगर गेन निकालना है तो गेनिंग रेशियो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो जो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी, उसका शेयर कितना 2/5, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, ए और सी को, जिस रेशियो में ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं, तो कौन सा रेशियो में ट्रांसफर कर रहा है 1:1, डायरेक्टली यही हो जाएगा हम लोग का गेनिंग रेशियो। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं बी ए को कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 जितना ट्रांसफर करेगा, और बी सी को ट्रांसफर कितना कर रहा है 1/5, ट्रांसफर का रेशियो क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो मतलब 1:1। अब टाइप फोर देख लेते हैं। ठीक है, टाइप फोर यहाँ पे थ्री पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर, रेशियो कितना 3:1, जेड हटा एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:1, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा, वहाँ पे रेशियो 1:1 दिया था और यहाँ पे रेशियो 2:1 दिया, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, ये हो गया ओल्ड रेशियो, जेड का शेयर कितना हो गया 1/6, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है किसके बीच में बांटना है, एक्स और वाई के बीच में, कौन से रेशियो में 2:1, तब एक्स का शेयर का दो टुकड़ा किया जाएगा, एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ, सॉरी जेड का शेयर का दो पार्ट किया जाएगा, जेड सरेंडर इन फेवर ऑफ एक्स, जेड एक्स को कितना ट्रांसफर कर रहा है, जेड वाई को ट्रांसफर कितना कर रहा है, 1/6 हो गया जेड का शेयर, 2:1 के हिसाब से बांट लेना है, ये इसने एक्स को दे दिया और 1/18 किसको दे दिया, वाई को दे दिया, तो एक्स का न्यू शेयर कितना होगा, पहले से जितना था उसमें से जेड ने जितना ट्रांसफर किया ऐड करेंगे, ये हो गया एक्स का न्यू शेयर, और वाई का न्यू शेयर पहले से जितना था 2/6 ओल्ड शेयर जितना ट्रांसफर किया 1/18, ये हो गया वाई का न्यू शेयर, इन दोनों का रेशियो को क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो, बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, तो रिटायरमेंट में रेशियो निकालते कैसे, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बांट लेना है, जिस रेशियो में बोला उस रेशियो में बांट लेना है, फिर दो पार्ट करने के बाद जैसे यहाँ जेड जा रहा है उसका शेयर दो पार्टनर एक्स और वाई के बीच में बांट लिए,
बांटने के बाद एक्स को जितना उसने सरेंडर किया एक्स का ओल्ड शेयर से ऐड करना है, और वाई को उसने जितना सरेंडर किया वाई के ओल्ड शेयर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद निकलेगा न्यू शेयर, और न्यू शेयर जैसे यहाँ पर निकलेगा न्यू शेयर का रेशियो क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो बोलेंगे। ठीक है, टाइप फाइव में क्या हो गया, हम लोग यहाँ गेनिंग रेशियो निकालने बोला। कमल किशोर कुंदला पार्टनर्स इन द फॉर्म सेम प्रॉफिट इक्वल, ये ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर का इक्वल दिया हुआ। कमल रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, सॉरी किशोर रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म, कमल एंड कुणाल डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर इन रेशियो 4:3। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट 4:3 के हिसाब से बांटेंगे, मतलब यहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया न्यू रेशियो भी दिया। हम लोगों को निकालना है कोई जरूरत नहीं, बस निकालना क्या है गेन, गेन किसका होता है रिमेनिंग पार्टनर का, कमल और कुणाल। गेन निकालते कैसे हैं, न्यू शेयर से, ये हो गया कमल का न्यू शेयर 4/7, ओल्ड शेयर माइनस कर लेना कमल का ओल्ड शेयर कितना है 1/3, कुणाल का गेन कितना होगा न्यू शेयर 3/7 से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये क्या निकला गेन, गेन का रेशियो क्या बोलेंगे, गेन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, और टाइप सिक्स एंड लास्ट टाइप रिटायरमेंट का केस में रेशियो क्या क्वेश्चन का, पी एन क्यू आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:5:6, ओल्ड रेशियो है क्यू रिटायर एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एज ₹50,000 विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय पी एन आर। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो 50,000, और उसको 50,000 दे कौन रहा है, पी एंड आर, कौन सा रेशियो में पी दे रहा है 30,000 और आर कितना दे रहा है 20,000। ठीक है, मतलब 3:2 का रेशियो में पेमेंट रहा है। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर कौन एक्वायर करता है, रिमेनिंग पार्टनर क्यू रिटायर, उसका शेयर कौन एक्वायर करेगा, पी एन आर। ठीक है, तो क्यू जब रिटायर होगा तो उसका जो शेयर होगा वो पी एन आर के बीच में बटे, कौन से रेशियो, जिस रेशियो में उन लोग उसको पेमेंट करेंगे, गुडविल का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, पी क्यू आर ओल्ड रेशियो कितना है 4:5:6, क्यू हटा, क्यू का शेयर कितना हम लोग का यहाँ पे 5/15 मतलब 1/3। अब ये किसको मिलेगा, पी एंड आर को मिलेगा, पी और आर का शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में बांटेंगे कौन सा रेशियो में, जी या तो रेशियो क्वेश्चन में क्लियर दिया रहता है, नहीं जैसे पहले भी हम लोगों ने देख लिया था, या तो रेशियो क्वेश्चन में साफ साफ दिया था कैसे बढ़ना, अगर रेशियो नहीं दिया तो वहाँ पेमेंट का रेशियो जरूर दिया जाएगा, तो पेमेंट का रेशियो में डिवाइड करना है, एक्वायर्ड बाई पी एन आर इन द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल 30,000 20,000 3:2, इस रेशियो के हिसाब से क्यू का शेयर दोनों के बीच में बांट लेना। बिल्कुल वही प्रोसेस जो पहले था, क्यू सरेंडर इन फेवर ऑफ पी, 1/3 था 3:2, 3/5 पी लेके गया, और क्यू का शेयर किसके फेवर में, आर का फेवर में, 1/3 में से 2/5 आर लेके जाएगा, तो इतना पी को मिला और इतना क्यू को मिला, तो पी का नया शेयर पहले से था उसके पास 4/15, और जो यहाँ पे क्यू ने ट्रांसफर किया 1/5 ऐड करके 7/15 निकला, एंड आर का न्यू शेयर पहले से जो था 6/15, और जो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया क्यू के द्वारा 2/12 दोनों का सम 8/15। अब ये हो गया पार्टनर का न्यू शेयर का रेशियो क्या बोलेंगे, नया रेशियो बोला। उसके बाद गेन निकालना, गेन का सीधा सा मतलब शॉर्टकट तरीका में रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को जो शेयर ट्रांसफर करा उसका रेशियो गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर कितना कर रहा है, यहाँ साफ साफ बोला हुआ है, यहाँ कैलकुलेशन क्यू सरेंडर कर रहा है पी को 1/5 एंड क्यू सरेंडर कर रहा है आर को 2/15, इसका रेशियो जो होगा 1/5:2/15। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, 3 से इंटू करेंगे, न्यूमेटर दोनों में फ्रैक्शन हटेगा, डिनोमेटर सेम हुआ, रेशियो कितना का 3:2, ये हो गया गेनिंग रेशियो। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल कर दिखाया हुआ है, पी गेन न्यू शेयर, गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू शेयर से ओल्ड शेयर माइनस करना, न्यू से ओल्ड क्यू माइनस करते हैं रिटायरमेंट के बाद पार्टनर का नया शेयर बढ़ जाता है, इसलिए न्यू से ओल्ड माइनस करना, न्यू से ओल्ड माइनस करोगे पी के गेन हो 3/15 बिल्कुल वही अमाउंट है जो क्यू ने आर के क्यू ने पी के फेवर में ट्रांसफर किया था, एंड आर का गेन कितना होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 2/15, इसका रेशियो क्या बोला गेनिंग रेशियो। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट, और डेथ ऑफ ए पार्टनर में बिल्कुल सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना, और हमारे आने वाले वीडियो को भी ध्यान से देखें ताकि आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।